हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले मेथड से हमने देखा था कि हमने एक्सप्लिसिटली डिस्कस किया था कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किसे कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अब हमारे मन में सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भाई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है। देखो, दो तरीके से हम चीज को समझ सकते हैं कि हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर किसे। सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे तो वहां पर हमने अपना एग्जांपल दिया था कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर वन और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और जिसकी डिग्री भी वन हो वो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कहलाएगी। तो नॉन लीनियर कौन? ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि पी और क्यू इन्वॉल्व हो और जिनकी डिग्री वन से ज्यादा वो हमारे कहलाते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आया आपको समझ में? अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास उनके एग्जांपल क्या कहना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी इक्वेशन ऐसी भी अगर हम लिखते हैं तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो डिग्री वन दिखाई दे रही है, नहीं, डिग्री यहाँ पर वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास डिग्री वन दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों की कंबाइंड डिग्री हमारे पास कहलाएगी जो कि हमारे पास कहलाएगी टू, यानी कि ये भी हमारे पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? A partial differential equation which involving the first order partial derivative small p and small q of degree greater than 1 or degree greater than 1 is called the non-linear partial differential equation first order and higher 2। ठीक है, अब और एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके बाद हमने लिख दिया कहीं पर, हमने लिख दिया p स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू जेड, ये भी हमारे पास एग्जांपल हो गया नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, तो अब हम बात करें हमारे पास कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। हमने पिछले सेक्शन में देखा जब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास थे उसके बेसिस पे हम अपना डिफरेंशियली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते थे। जैसे कि हमने आपको याद होगा कि वहां पर हमने की इक्वेशन बनाई थी z इक्वल टू एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी। आपको याद होगा कि हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला था वो हमारे पास कितना आया था z इक्वल टू पी। ठीक है, now z equal to pq is a partial differential equation of the z equal to x plus ay or y plus b, it means z equal to x plus a y plus b, it is a solution of this equation। तो ये जो हमारे पास differential equation है ये हमारे पास non-linear है। non-linear है इसका मतलब ये हुआ कि इस differential equation के solution में हमारे पास दो arbitrary constant हुए a और b, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी हम non-linear partial differential equation के solution निकालेंगे उसमें हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद। ठीक है, तो इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास सपोज द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ PQZ XY equal to 0, the solution is
complete solution is the complete solution is phi of a b z x y यानी कि ये हमारा इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन समझ सकते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टाइप सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे सामने आता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो आपको मैं एक एग्जांपल आपको बताते हैं, यदि आपको याद हो कि हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि हमारे पास z इक्वल टू x प्लस a y प्लस b इज अ सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल टू b, इज राइट, हमने निकाला था। तो यदि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, ध्यान रहे मैं बात स्पेसिफिक p और q के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर है और जो कि फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है z equal to x plus a y plus b उस डिफरेंशियल इक्वेशन उस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि अब अगर हम ये बोले कि z equal to x plus a y plus b is a complete solution of this mass, वो हमारा सही सेंटेंस कहलाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होते हैं तो वो उसका कहलाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के सिंपल से डेफिनेशन हमारे सामने ये है कि किसी भी कंप्लीट सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि z इक्वल टू x प्लस 3 y प्लस 4 इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल टू pq, तो हमारा इस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहना है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि एनी कंप्लीट सॉल्यूशन विच हैव द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट देन द सॉल्यूशन इज नोन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड इसमें हमारे पास आता है, थर्ड हमारा है इसमें जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से मतलब हमारे पास ये है कि अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी f ऑफ p q x y, अगर उसमें हमारे पास a और b अगर हम रिमूव करते हैं और अगर हम उस b में अगर हम a की वैल्यू लेके आ जाते हैं तो वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। या हम उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एनी सॉल्यूशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ फाई ऑफ यू ए तो वो हमारा कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि मान लो कि मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है
मान लो कि मेरे पास वो भी एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, हमने बोला कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू। अब अगर हमारे पास ये जो b हमारे पास है, किसी हमारे पास दूसरे फंक्शन साई ऑफ a की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो उसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। कितने टाइप के सोल्यूशन होगा मेरे पास, तीन टाइप के। अब हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास आता है सिंगुलर सोल्यूशन, इसे हम सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें सिंगुलर सोल्यूशन हमारे सामने क्या है, फोर्थ सॉल्यूशन हमारा है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी कोई इक्वेशन मेरे पास सॉल्यूशन है, जो कि इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा सॉल्यूशन, इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी, ठीक है। हमने क्या माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी जो है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम क्या करें कि अगर इस कंप्लीट सॉल्यूशन से अगर मैं a और b की वैल्यू को रिमूव कर, ठीक है, a और b की वैल्यू को रिमूव कर दूं, तो जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कैसे करते हैं हम ये, मान लो हमने इसको कर दिया पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, कितना आएगा, दिस इज डेल z बाय डेल a, कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल z बाय डेल a, तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज x, दिस इज 0 एंड दिस इज b, और डेल z बाय डेल a मेरे पास कितना आएगा 0, x plus b, that means b equal to में कितना मिलेगा minus x। इसी प्रकार अगर हम partial differentiate कर देते हैं with respect to b, तो मेरे पास कितना आएगा, this is del z by del b equal to 0 plus y plus a, और ये value मेरे पास कितनी होगी 0 हो गई, this is y plus a equal to 0, then a equal to minus y। हम इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन रखते हैं, पुट इन कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास कितना आएगा, z इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस y, ये हो गया माइनस x y, ये मेरे पास आया कितना x, ये हो गया माइनस x y, और ये वैल्यू मेरे पास है माइनस x और माइनस y, यानी कि दिस इज द माइनस एक्स वाई एंड दिस इज माइनस एक्स वाई एंड दिस इज प्लस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई। नाउ जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई इज कॉल्ड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनमें हम चार प्रकार के सोल्यूशन बना सकते हैं। पहला हमने देखा कंप्लीट सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को फाई ऑफ यू बी यानी फाई ऑफ ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। लास्ट हमने देखा सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यदि किसी भी कंप्लीट सॉल्यूशन में अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर लें तो जो सॉल्यूशन निकल कोरिस्पोंडिंग टू देयर
पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दैट आर्बिट्री कांस्टेंट, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आप नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा टाइप वन और इसको हम बोलते हैं यहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ऐसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल P और Q इन्वॉल्व होते हैं, विच डू नॉट कंटेन X, Y एंड Z। ऐसी जो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी कहलाती है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होगा कि हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि उसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो आप समझ लें। ठीक है, तो सीधे सीधे वर्किंग रूल हमें इसमें बता रहे हैं कि क्या हम वर्किंग रूल इसका फॉलो करेंगे। वर्किंग रूल मान लेते हैं कि जो आपको इक्वेशन दिए हैं वो हमारे इक्वेशन नंबर वन, तो पॉइंट नंबर वन हमारा लिखा था सपोज द सोल्यूशन of equation 1 is z equal to ax plus by plus c। हमने माना कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मान सकते हैं, मान सकते हो, मान सकते हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम होगा क्योंकि इसमें हमारे पास हमने माने हुए तीन आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन को अगर हमें कंप्लीट बोलना है तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट तब कहलाएगा कि यदि इस सॉल्यूशन में केवल हमारे पास दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए इक्वेशन टू पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्ट टू, हमने डेल जेड बाय डेल एक्स निकाला तो हमारे पास कितना आएगा दिस इज ए, बोल सकते हैं दिस इज p इक्वल टू a, और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाला तो हमारे पास आएगा b, इसे हम कह सकते हैं q इक्वल टू b। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जैसे f ऑफ a b इक्वल टू, जब हम एफ ओ ए बी इक्वल टू जीरो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी अगर हम उससे बी निकालने में कामयाब हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ए और उस बी को यदि हम इक्वेशन नंबर टू में रख देते हैं पुट इन टू, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरे पास कितना मिलेगा दिस इज ए एक्स प्लस फाइव ऑफ ए इन टू वाई प्लस सी। तो हमने देखा कि जो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है z equal to ax plus y of a by c, इसमें हमारे पास केवल दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं a और c, तो हम कहेंगे कि ये जो एक सॉल्यूशन हमें मिला है ये हमारा क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे आपका
फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, पहले आप देखेंगे ये नॉन लीनियर है कि नहीं है, नॉन लीनियर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लिख लेंगे ये दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हमारे क्या आएगी इक्वेशन नंबर वन। सपोज सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट इन टू, तो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा दैट इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट प्लस माइनस में एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज required complete solution। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल यहां पर उठ रहा होगा कि भाई मैं कैसे कह सकता हूं कि z equal to ax plus by plus c इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्यूशन तभी कह सकते हैं यदि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाई वो उसको सेटिस्फाई करती कैसे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपसे कि अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी हम p और q की वैल्यू वो इतने के बड़ा होगी ना, m स्क्वायर कोई मेरे पास कांस्टेंट है, तो जैसे मैंने ये वैल्यू रखी तो m स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि वो इसके इक्वल कराएगी, यानी कि वो इसका एक सोल्यूशन हो सकती होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से b को निकाल कर यहाँ रख देते हैं, तो हम जो सोल्यूशन जो निकाल के लेके आ रहे हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, और जबकि ये केवल एक सॉल्यूशन है, बेहतर क्या है सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन में, कोई एक्सप्रेशन किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा जो उसको सेटिस्फाई करता है, और कोई सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हो रिगार्डिंग द एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो पी। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं इसके लिए, नोट कर ले पहले आप। Next question is, find the complete solution of z equals to p square plus q square equal to np। हमें इसका complete solution निकालना है। Now see this is equation number one.
दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. सपोज द सॉल्यूशन इज z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. नाउ सेव दिस इक्वेशन नंबर पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to x and y respectively. हमारे पास कितना आएगा? This is del z by del x equal to a. This means p equal to a and del z by del y equal to b. This means q equal to b. Put in first. हमारे पास इक्वेशन आ रही a square plus b square equal to m a b. Now इधर से हम b की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज द m a plus minus m a square m square x square and minus 4b4 a square upon 2. ठीक है, तो b हमारे पास इतना मिला. इस b को हमारे अंदर रख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. put in 2, तो z equal to हमारे पास मिलेगा this is the ax plus n a plus minus under root n a square minus 4 a square divided by 2 into y plus c. Now this is called your complete solution. This is complete solution. ठीक है, तो हमने इस मेथड में क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के सवाल है ऐसे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें p और q इन्वॉल्व होता है, x y z इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. जिसमें हमने दो प्रॉब्लम देखे, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इसकी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी. ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है टाइप टू. सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये है कि कोई भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें z p q हो वो हमारे पास कहलाते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म. और फिर भी यहां पर हमारे पास x प्रोवाइड नहीं होगा, विच डू नॉट कंटेन x एंड y. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास केवल z p q होंगे और x y नहीं होंगे वो हमारे कहलाएंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज आपको कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है. कई बार क्या होता है कि हमारे पास x और y भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हमने किसी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से रिमूव कर लेते हैं, वो हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में बन सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारा सवाल ये होता है कि इसका मल्टीपल क्या हो, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करें. कैसे हम सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं कि ये मेरे पास इसका इक्वेशन नंबर 1 है. पॉइंट नंबर 1, सपोज
जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, एक चीज यहां लिखना चाहूंगा मैं यहां पर, सपोज एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इज अ सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, लेट यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई सो दैट जेड इक्वल टू एफ ऑफ, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जेड हमारे पास किसका फंक्शन है, ओनली यू का फंक्शन है, और यू किसका फंक्शन है, मेरे पास एक्स प्लस ए वाई का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स निकालना चाहूँ तो कितना मिलेगा वन, और डेल यू बाय डेल वाई निकालना चाहूँ तो कितना मिलेगा ए, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे ए। एंड अगर मैं पी निकालना चाहूँ तो पी मेरे पास कितना होगा, डेल जेड बाय डेल एक्स, लेकिन डेल जेड बाय डेल एक्स को लिख सकता हूँ, दिस इज अ डी जेड बाय डी यू इनटू डेल यू बाय डेल एक्स। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, सिंपल तो लॉजिक ये है कि जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन जेड इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो जेड हमारे पास केवल क्या एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहा, तो हम लिखेंगे डी जेड बाय डी यू, जबकि यू जो हो रहा है एक्स वाई दोनों पे हो रहा है, हम क्या लिख रहे हैं डेल यू बाय डेल एक्स या डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। तो पी हमारे पास कितना हो गया, दिस इज पी, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है वन है, तो मेरे पास आ गया जैसे डी जेड बाय डी यू इंटू वन, एंड दिस इंप्लाइज दैट पी इक्वल टू डी जेड बाय डी। सेकेंड हमारे पास है एंड Q हमारे पास यहाँ पर है, दिस इज द डेल जेड बाय डेल वाई, और डेल जेड बाय डेल वाई को हम लिख सकते हैं दिस इज द डी जेड बाय डी यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई। नाउ डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए है, तो मेरे पास ये लिखा जाएगा ए, दिस इज डी जेड बाय डी यू, यानी कि Q की वैल्यू मेरे पास होगी ए डी जेड बाय डी यू। पॉइंट नंबर थ्री, जो भी हमने P और Q की वैल्यू निकाली हुई है उसे इक्वेशन नंबर वन पर देंगे, पुट इन फर्स्ट f ऑफ z dz बाय du इन dz बाय du इक्वल टू, ठीक है। सॉल्व द अबव इक्वेशन, फॉर z which is our required complete solution, वही हमारा इसका complete solution क्या है, ठीक है। एक बार फिर समझ लें क्या हमें करना है, क्या है हमने बोला कि second standard form किसे कह रहे हैं, second standard form हमारे पास वो है जिसमें z p q इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जिसमें x और y नहीं होगा। तो हम बोलेंगे मान लेते हैं कि इसका सोल्यूशन है z इक्वल टू f ऑफ x प्लस a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस a y को हमने तो दूसरे वेरिएबल अस्यूम कर लिया u, x प्लस a y, तो हम क्या बोलेंगे सो दैट इस u को उठाकर हमने यहां रखा तो z इक्वल टू f ऑफ u, डेल्यू बाय डेल्स में मिलेगा 1, डेल्यू बाय डेल वाई में मिलेगा 1, सॉरी a, पी हमारा गिलाता है डेल जेड बाय डेल एक्स, तो हम तो सोच सकते हैं क्योंकि बोला कि जेड यू का फंक्शन है और यू एक्स वाई का फंक्शन, तो हमारे कहेंगे कि जेड कंपोजिट फंक्शन है एक्स और वाई का, तो उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, एंड डेल यू बाय डेल एक्स इतना है 1, तो पी की वैल्यू होगी डी जेड बाय डी यू, हमने निकाला डेल जेड बाय डेल वाई, डी जेड बाय डेल वाई को लिख सकते हैं डी जेड बाय डी यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ए, उठा के हमने यहाँ रखा यू की वैल्यू हमारे पास होगी ए डी जेड बाय डी। जो भी पी और क्यू मिलेगा उसे इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे, जो आपके मेन इक्वेशन आपको दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे जेड के लिए, जो कि हमारा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ यू, उस यू को हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस ए वाई से, वही हमारे पास रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। मैं बार बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि उस सॉल्यूशन में हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद, ठीक है। देखें कैसे हम वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल को समझते हैं।
ऑप्शन है हमारा सॉल्व z इक्वल टू t स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ सॉल्व का मतलब मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन ही निकालना है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है वो हमारी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। से दिस इज वन, दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी अज्यूम द सॉल्यूशन, वी अज्यूम द सॉल्यूशन z इक्वल टू f of x plus ay and u equal to x plus ay, p equal to dz by du and q equal to a dz by du. इनको हमें निकालने के द्वारा जो भी है डायरेक्ट हम ये वैल्यू का यूज करेंगे। पुट इन फर्स्ट कितना मिलेगा हमें, दिस इज z एंड दिस इज dz by du का होल स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर dz बाय du का होल स्क्वायर। दोनों से हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, दिस इज dz बाय du का होल स्क्वायर, अंतर आपको मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर। दोनों तरफ हम ले लेते हैं रूट, तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज रूट z इक्वल टू dz बाय du एंड ये हमारे पास आएगा 1 प्लस a का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, this is a dz by under root z and this is du upon under root 1 plus a square, ठीक है। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट तो 1 upon root z का इंटीग्रल कितना होगा, 2 root z equal to this is u upon under root 1 plus a square plus b, ठीक है। हमारा सोल्यूशन कितना लिखा गया, 2 अंडर रूट z, u की वैल्यू मेरे पास कितनी है x plus ay हमारे पास अपॉन में है 1 plus a square plus b। नाउ दिस इज कॉल्ड योर कंप्लीट सोल्यूशन, यही मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है उसको कितने कितना आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, 2, एक a और एक दूसरा b, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं किस पर एग्जाम सॉल्व कर सकते, पहले आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ो। नोट हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन है हमारा सॉल्व p 1 plus q square equal to q z minus p, ठीक है। तो अब इसे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ सेम इक्वेशन नंबर, ठीक है, दिस इज सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज द सॉल्यूशन इज z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, ध्यान रहे हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी a आ चुका है, तो यहां पर हम a नहीं लेंगे, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, b। एक बात और, चूंकि क्वेश्चन में पहले से a मौजूद है तो वो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। एंड u इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा और b की वैल्यू जो होगी वो dz बाय du है और q की वैल्यू जो है वो b dz बाय du। इन सब वैल्यू को उठाते हैं,
फर्स्ट तो नेट पास कितना आएगा, दिस इज द डी जेड बाय डी यू इन ब्रैकेट 1 प्लस डी स्क्वायर डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी जेड बाय डी यू इन ब्रैकेट जेड माइनस ए डी जेड बाय डी यू आपका कैंसिल हुआ, तो आपकी इक्वेशन आ गई दिस इज द बी स्क्वायर डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी z माइनस ए माइनस वन इस b स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आए तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी दिस इज द dz बाय du इक्वल टू अंडर रूट b z माइनस ए माइनस वन डिवाइडेड बाय d। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर ले तो हमारे पास कितना आएगा dz अपॉन अंडर रूट b z माइनस ए माइनस वन इक्वल टू इसको बी को भी नहीं रख लेता इन टू डी। अब हम क्या करते हैं दो तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं दो तरफ इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास कितना होगा इंटीग्रेट on both side this is b dz upon under root b z minus 1 a equal to u plus c। ठीक है, अब क्या करते हैं डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं put b z minus a minus 1 equal to t हमें कितना मिलेगा दिस इज dz equal to dt by या b ऊपर ही रख देते हैं दिस इज dt तो therefore this is इंटीग्रल डी डी डेटी अगर मैंने रख दिया डी टी अपॉन में आ गया रूट टी इक्वल टू यू प्लस सी वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रल हो गया टू रूट टी इक्वल टू यू प्लस सी। ठीक है, टू टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बी जेड माइनस ए माइनस वन इक्वल टू यू प्लस सी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू तो यू हमारे पास हो गया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर हमारा a जो है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है b है और c यही हमारा सॉल्यूशन कहलाए। एक बार फिर से समझ लें, इस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई हमने बोला कि ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, z की वैल्यू हमने ली, z में हमारे पास u की वैल्यू होती है x plus by होती है t की वैल्यू dz by du होती है u की वैल्यू t dz by du होती है, ये सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखा dz by du 1 plus d square dz by du का होल स्क्वायर u d dz by du z minus a dz by du अपना कैलकुलेशन आ गया 1 को उधर लेके चलेगा साथ में हमने b स्क्वायर का भी डिवाइड कर दिया रूट लिया हमने और ये हो गया रूट dz minus a minus upon d b और d अंडर रूट dz minus a को हमने एक साथ रखा हमने यहाँ पर इसको वैल्यू को d अज्यूम किया dz minus a minus 1 equal t तो b dz equal to dt हो गया हमारे पास dt upon root t equal to u plus c हो गया तो 2 root t equal to u plus c तो इस तरह से हमारे पास complete solution था। बच्चों कई बार क्या होता है हमारे पास जो differential equation दी रहती है उसमें हमारे पास कई बार x और y भी involved हो जाए, अब सवाल ये उठता है कि इन x और y को हम कैसे remove कर सकते हैं, इन x और y को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो हम क्वेश्चन में ही आपको बताएंगे कि हम कैसे अज्यूम करते हैं और कैसे हम उसे सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली किस तरह से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व x स्क्वायर p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू z वहां का ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखने में हमको ये क्वेश्चन जो है
सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास पी क्यू जेड के साथ साथ एक्स और वाई भी इन्वॉल्व हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे जिससे कि हमारे पास हमको समझ में आ सके। तो देखिए हम क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एक्स पी का स्क्वायर प्लस वाई क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं जिससे कि हमारे पास p के साथ x इन्वॉल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पे बोला कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल log x एंड कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल log y। अब हमने यहाँ पे निकाला जैसे कि डेल x अपॉन ऑफ x तो हमें कितना मिलेगा 1 अपॉन x, और डेल y अपॉन ऑफ y निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा वो हमारे पास कितना है डेल जेड बाय डेल एक्स। क्या डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे कैपिटल डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ डेल एक्स अपॉन ऑफ एक्स मेरे पास कितना आया 1 अपॉन एक्स आया एंड दिस इज डेल जेड बाय कैपिटल डेल एक्स एंड दिस इज पी। तो मेरे पास एक्स इंटू पी कितना हो गया, दिस इज द डेल जेड बाय कैपिटल डेल एक्स। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं xp इक्वल टू कैपिटल s। कैपिटल p का मतलब मेरे पास यहाँ पर है डेल जेड बाय कैपिटल s। ठीक है, एंड q की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दिस इज डेल जेड बाय डेल y, डेल जेड बाय डेल y को लिख सकता हूँ, दिस इज कैपिटल डेल y इनटू कैपिटल डेल y अपॉन ऑफ स्मॉल y, और डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 अपॉन y है, तो 1 अपॉन y दिस इज डेल जेड बाय कैपिटल डेल y। तो मेरे पास वैल्यू आएगी दिस इज द y इनटू q इक्वल टू डेल जेड बाय कैपिटल डेल y, और इस पूरे को मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल q, यानी कि मेरे पास y q की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल q करेंगे। ठीक है, y q की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल q कराएंगी as x capital q equal to del z by capital del y। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, put in first, तो मेरी इक्वेशन जो होगी दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर के फॉर्म में। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड। कैपिटल पी हमारे पास जो होगा वो हमारे पास लिखाएगा डी जेड बाय डी यू, और कैपिटल क्यू जो होगा वो हमारा लिखाएगा ए डी जेड बाय डी यू। इन सारी वैल्यू को उठा के हम करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2 तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में रहा मेरे पास कितना होगा, जैसे dz by du का होल स्क्वायर मेरे पास आएगा 1 plus a स्क्वायर इक्वल टू ऑफ z स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं जैसे dz by du इक्वल टू z अपॉन अंडर रूट 1 plus a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास लिखा जाएगा dz by z इक्वल टू डी यू बाई अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। हमने यहाँ पर पुट किया तो इंटीग्रेट किया दिस इज अ लॉग जेड इक्वल टू ये हमारे पास मिलेगा दिस इज यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस।
अब यू मेरे पास कितना है, दिस इज द लॉग सेट इक्वल टू यू, हमने कितना निकाला था, x log x plus a log y upon under root 1 plus a square plus b. Now this is your answer. अब अच्छा आपके मन में एक सवाल ये उठा होगा यहाँ पर कि भाई मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरा सब्सटीट्यूशन x equal to log x या y equal to log y होगा. तो मैं इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूशन हमको यही मिलने वाला है. ठीक है, चलिए कुछ मैं आपको एग्जांपल केवल पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल आपको बताऊंगा कैसे वो हमें मिलेगा. राइट, देखिए मान लीजिए कि मेरा क्वेश्चन है सॉल्व, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर. मैं ऐसे क्वेश्चन कर लिया. अब इस क्वेश्चन में मैं पता लगाना चाहता हूं कि मेरा सब्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या करूंगा जिससे कि मेरा एक्स और वाई वहां से एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को फिर से लिखा कि ये क्वेश्चन मेरे पास कितने लिखा है, दिस इज द एक्स रूट एक्स इंटू पी का स्क्वायर एंड दिस इज रूट वाई इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. यानी कि अब मुझे मल्टीप्लाई में रूट एक्स और रूट वाई लेके आए. ठीक है, फिर वैसा मैं क्या सब्स्टिट्यूशन कर दूं, तो मैं अगर आपसे बोलता हूं यहां पर कि गुड. ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूं क्या हो कि जब मैं p लिखूं तो क्या लिखेगा, डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, क्योंकि मुझे रूट एक्स इंटू में चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर रूट एक्स आना चाहिए. क्या आना चाहिए, यहाँ पर रूट एक्स हमें मिलना चाहिए. तो ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमें यहाँ पर रूट एक्स हमें मिल जाए, कि रूट एक्स चाहिए तो वन अपॉन रूट एक्स हमें चाहिए, मतलब ओनली रूट एक्स चाहिए तो रूट एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, रूट एक्स का इंटीग्रल कितना होता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल एक्स इक्वल टू आप यहां पर 2 बाय 3 एक्स टू दी पावर 1 बाय एक्स से एक्स टू दी पावर 3 देखते हैं कि इससे फायदा क्या मिलने वाला है. मान लो मैंने अगर यहां पर निकाला डेल एक्स बाय एक्स, क्या मिलेगा भाई, 2 इंटू 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, यानी कि मुझे मिलेगा 1/√x. मिला कि 1/√x, यानी कि मेरे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैपिटल एक्स इक्वल टू 2√x होगा. क्या होगा, 2√x होगा. इसी प्रकार कैपिटल वाई इक्वल टू 2√y हम यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छे समझ में आ रही बात. तो ये मेरे पास वो सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर कैपिटल डेल वाई और स्मॉल वाई निकालूंगा तो मुझे वो मिलेगा 1/√. क्लियर, अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ कि मान लो अगर हमारे एक क्वेश्चन में अगर हमारा चेन पता है, सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व, यहाँ पर हमारे पास सम आती है, मान लीजिए हमारे पास सम आती है एक्स स्क्वायर लिखा था एक्स क्यू पी स्क्वायर प्लस वाई क्यू क्यू और क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसा लिखा. अब मेरे मन में सवाल उठा कि भाई मैं एक्स क्यू कैसे ला सकता हूँ यहाँ पर, ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ. मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलता हूँ मान लो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो पी स्क्वायर के साथ हमें चाहिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन कितनी लिखाएगी, दिस इज द एक्स p by 2 into p ka whole square and this is y p by 2 ka q ka whole square equal to z square. अब यानी कि मुझे इनटू में चाहिए p के साथ x की पावर 3 by 2, तो x की पावर 3 by 2 मुझे कब मिल सकता है,
तो मान लो अगर मैं आपसे बोलता कि भाई x की वैल्यू मुझे चाहिए 3/2, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है 2/3 x टू दी पावर 3/2 चाहिए कि 5/2, इस तरह से नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे मत लीजिए, आप क्वेश्चन हमारा इस तरह लिख लीजिए, क्वेश्चन हमारा मुझे ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे कि मेरे पास अपॉन में एक्स आ जाए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मैंने मान लो जब हमारे पास कैपिटल एक्स की जो वैल्यू होगी 1/2 एक्स स्क्वायर और कैपिटल वाई की जो वैल्यू होगी 1/2 वाई स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पर डेल एक्स अपॉन एक्स निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा x आएगा और डेल वाई अपॉन वाई निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी 24 आवर्स में सॉल्व कर दी जाएगी। आप इस चैनल का भरपूर उपयोग करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर इसको सब्सक्राइब करने को बोलिएगा जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।